वही ब्रह्म एक कमल के पत्ते पर प्रकट होता है और वो कमल का पत्ता कोई और नहीं स्वयं शेष भगवान होते हैं। शेष भगवान भी देवता है, ऊपर जो लेटा है वो भी देवता है। सुने जन्नत भैया कोशिश है, कमल के सिंहासन देखो बड़ा छविदार है, अजब वो बहार है जो आज भी है और कल भी है। भैया नहीं गाए जाते हैं चंदन भैया, हरि नाम नहीं गाए हो तो फिर आगे को तुम पछताओगे, अंतिम में गाना चाहोगे पर जुबा हिलाना पाओगे, क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली, मनयागर की सुच सीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कटले हरिनाम अरे रसना फिर अंत समय में। चंदन भैया कोशिश आप कुछ भी कहते रहे लेकिन ये आपका दिल जानता होगा कि जवाब इधर से जाता है नहीं। सुनिए, हरिनाम नहीं गाया तो फिर आगे को तुम पछताओगे, अंतिम में गाना चाहोगे पर जुबाने वो तो बच्ची उधर में है, उसकी तो बात छोड़ो, जो बेटियां अभी भी घर में हैं, अगर वो कोई
कुल की बात कहती है तो पिता से नहीं कहती, किससे कहती भैया? अपनी माँ से कहती है। चंदन भैया, अगर कोई बेटी अपने दिल की बात बताती है तो सबसे पहले अपनी माँ को बताती है, अगर घर में बताएगी तो। सुनिए दूसरी बात, कोई बात नहीं, कभी जहां ना पहुंचे कभी कहां पहुंचे रवि, आपने गर्व से बेटे को बोलते दिखाया है, बेटी की आत्मा कह रही है। लेकिन एक बात भैया कहना चाहूंगा कि बेटी कोई बात माँ पिता से नहीं, पहले माँ से कहती है, क्योंकि वो माँ के उदर में है और उसकी बात माँ समझ सकती है, ना कि पिता। बात हुई अपना तुम्हारे लेकिन चंद्र भैया Oh,
जिसके ना फटी बीमारी हो पीर दादाजी कुर्सी वाले भैया जिसके ना कोई बेटा हो वो सुध सेवाई क्या जाने, जिसके ना फटी बीमारी हो वो पीर पराई क्या जाने। दूसरी बात देखिए, एक बार राम खंजड़ी बजाते डोल रहे थे आंगन में, तब तक एक हिरनी दौड़ती हुई आई और दरवाजे पे आके खड़े होकर रोने लगी। जब तो हिरनी रोने लगी तो कौशल्या ने आगे पूछा कि तुम आखिर रो क्यों रही हो, तो वो देखिए हिरनी क्या कहने लगी। जिसने ना पति का बिछोड़ सहा, जिसने पति का बिछोड़ नहीं सहा, अरे मेरा हिरण चला गया और मेरे हिरण को मार के तुम्हारे राजा ने ये ढपली बनवाई, ये ढपली तुम्हारा पुत्र जब बजाता है, इस ढपली को जब जब तुम्हारा ये राम बजाता है तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, ये लगता है कि मेरा पति मुझे बुला रहा है, इसीलिए मैं दौड़ती चली जाती हूँ। क्या बात है, जिसने ना पति का छोड़ सा क्या हो ती Yeah.
जिसकी चंदन भैया जी सुनिए मछली के ऊपर जो चक्र में बंधी हुई थी घूम रही थी घूमत है चकरी। अब देखो ऊपर पकड़ी करी और नीचे चकरी करी। घूमत है चकरी पीछे है मछली मछली की नैनक पुतरी। आंखों
की पुतली, मछली की नहीं ना पुतली, ये मलकैरा की पुतली कहते हैं, पुतली भी कहते हैं, मछली की नहीं ना पुतली, वही तो काला भी से सहना